आपने उदयपुर में सिटी पैलेस, जग मंदिर, बाहुबली हिल्स के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आपने कभी रायता हिल्स के बारे में सुना है, जो कि पड़ता है रायता विलेज में, उदयपुर से कुछ 20 किलोमीटर दूर। एक ऐसी ऑफबीट एंड अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन जहाँ कुछ 150 स्मॉल हाउसेस हैं। एंड दिस लोकेशन इज सराउंडेड बाय द मेजेस्टिक अरावली हिल्स विद अ सीनिक ब्यूटी। यू कैन इवन चूज दिस लोकेशन फॉर शूटिंग पर्पस। यू मस्ट एक्सप्लोर दिस लोकेशन इन मॉनसून, जहाँ पे मैं बैठी इट्स लेक एंड शॉ, एंड ये इसका व्यू पॉइंट है पूरा रेस्टोरेंट का। एंड दिस इज द एरिया जहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे व्यू। है एवरीवन, दिस इज साक्षी दिरंजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड आई एम स्टेइंग विद द लेक शोर। और मैं कुछ खाने वाली हूँ, आई एम सो हंग्री एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं अभी क्या ऑर्डर करूँ। एंड मैंने कुकी को नई नई आदत डाली है बाहर बिठाने की। तो गाइस, ये इनका मेन रूम है, जो मेन अट्रैक्शन सामने रूम है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है 7 से 8 बंदे सो सकते हैं। और इसके अलावा बताइए, मिरर भी बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ तक आप सामने देख ही सकते हो लेक पिकालू है। आई गेस पिकलो जो इसको बोलते हैं, ऑलवेज बैड एट स्पीकिंग दोस नेम्स, जो मैं जानती नहीं हूँ। मुझे कमेंट करके बताओ मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे पता है। एंड आई जस्ट लव दिस रूम। सो इस व्लॉग में आज मैं कुछ नया एक्सप्लोर करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम। सो उदयपुर से कुछ 20 किलोमीटर दूर पड़ती है एक सुंदर सी लोकेशन, जहाँ पे आप प्री वेडिंग शूट भी प्लान कर सकते हैं। और ये प्लेस सुंदर है ऐसा बोला जाता है, और यहाँ पे व्यू पॉइंट के लिए आया जाता है। मतलब बीच में रोड तो इतनी ख़राब आई कि आपको लगेगा कि वापस चले जाओ और यहाँ का प्लान कैंसिल कर दो। बट आई गेस यहाँ आना थोड़ा वर्थ होता है, बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास। और व्यू तो ऐसे आएगा नहीं यार, ऑब्वियसली जब तक मैं ड्रोन हवा में नहीं उड़ाऊंगी। सो माय ड्रोन इज़ ऑलमोस्ट रेडी, मैं जा रही हूँ उस तरफ शूट लेने के लिए। लोग उधर की तरफ भी जा रहे हैं, कुछ आगे की तरफ। जस्ट फील द विंड गाइस, मैंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी, पर ड्रोन उड़ाते हुए मेरी ऐसे ऐसी हो गई कि ड्रोन विंड को लेके जा रही थी, बट वी टुक सम शॉट्स। दिस प्लेस इज वर्थ कमिंग आई गेस इन अर्ली मॉर्निंग आवर्स, और यू नो पूरा का पूरा, या तो आप शाम को बैठना चाहते हो और सिर्फ व्यू इंजॉय करना चाहते हो पहाड़ों के बीच में, सनसेट के बीच में। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे पानी तो सिर्फ एक ही जगह आया, छोटा सा वाटरफॉल था, मगर व्यू के लिए इट्स अ बेस्ट, इट्स नॉट कम। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पर। सो ये एंटर करते हुए हम मॉनसून पैलेस के लिए, यहाँ पे चढ़ाई की तरह एंट्री है क्योंकि ये बहुत हिल एरिया में बनाया गया पैलेस है। और मैं खड़ी हूँ उसके गेट पे, जिसकी टिकट मुझे 610 पड़ रही है, इंक्लूडिंग मेरी गाड़ी और इंक्लूडिंग द चार्जेस ऑफ पर पर्सन, प्रति व्यक्ति के चार्जेस 106 रुपया कुछ। इनकी सेकेंड डेस्टिनेशन साजनगढ़ फोर्ट, जिसको मॉनसून पैलेस के नाम से जाना जाता है और जो कि यहाँ का बहुत ऊंचे पैलेस में से एक है। सो ये एंटर करते हैं हमारे फोर्ट की तरफ, जहाँ पे है महाराजा सज्जन सिंह की हिस्ट्री, जो कि पैदा हुए थे पता नहीं, ज़्यादा तो मिट चुका है, 18th century की हिस्ट्री। और ये कहते हैं कि ये पानी का कुछ पुल पुल पानी का कुछ टाइप सा बना हुआ था उस टाइम पे, फुआरा काइंड ऑफ। फिलहाल दिस इज महाराजा फतेह सिंह, महाराजा सज्जन सिंह। ओके, यहाँ पे है 1974 से 1990। ये जो है ये पूरा का पूरा रानी का महल टाइप ऑफ एरियाज है। हम अब क्रॉस करते हैं इसको आगे तरफ। राजा कुछ 20 साल जिए थे, एंड ही वॉज हैविंग सो मच ऑफ महारानिया। उनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते थे जो कि बहुत हट के हो, देन ही हैज़ क्रिएटेड। और उन्होंने कहा कि मैं कुछ बादलों में क्रिएट करूं, सो ही हैज क्रिएटेड दिस अमेजिंग पैलेस। तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरा पैरानॉर्मल व्यू ऑफ उदयपुर। सो अगर हम ऊपर की तरफ आते हैं छत की तरफ, तो कुछ इस तरह का एरिया आता है, और कोई फोटो खींच रहा है। सो वांट टू इंटरप्ट, सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल द ब्यूटी
ऑफ उदयपुर, नॉट ऑल द ब्यूटी जितना मैं कर पाई एज एक्सप्लोर एज आई स्टार्टेड माई डे एज यूजुअल लेट. आई एम स्टिल इन शानगढ़ दिस मॉनसून पैलेस और यहाँ पे बैठ के अच्छा से रेस्टोरेंट के खाने की जगह आई एम सो हंग्री आई जस्ट ऑर्डर्ड अ पिज्ज़ा बट आई एम गोना सी यू वेरी नेक्स्ट टाइम फॉर द सेम आई मीन इन द न्यू प्लेस. ऑब्वियसली आई एम गोना ट्रैवल न्यू प्लेस वेरी सून. सो यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है इट्स म्यूटेड इट्स इन द पैलेस कैफे एंड रेस्टोरेंट और आज की इवनिंग आई गेस यहीं पे ख़त्म हो गई पिज़्ज़ा के साथ. आई एम गोना सी यू टुमारो नेक्स्ट टाइम इन द न्यू व्लॉग. सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. बाय.